हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बनी लेटर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि iOS से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ या फिर iOS रोम के बारे में बताओ। iOS रोम जो है नया, जितने भी डिवाइस हैं उनके लिए अभी तक नहीं बनाया है, कोई डेवलपर्स अभी तक नहीं आया है। तो आप लोगों को जितने भी नए स्मार्टफोन हैं उन सभी डिवाइस पर जो है iOS का कोई भी जो है रोम देखने को अभी नहीं मिला है। जो पुराना डिवाइस था उनके लिए था, लेकिन अभी जो है डेवलपर नहीं है। लेकिन जो है आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे कम्प्लीटली iOS के जो है लुक दे सकते हैं, और जो है iOS का जो फीचर्स है वो अपने फ़ोन पे जो है पा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं आप जो है कैसे iOS की लुक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे पा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम अपने स्मार्टफोन पे तीन चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है इसका कस्टम रोम। जी हाँ, हम जो है इसमें कस्टम रोम पहले इंस्टॉल करेंगे। एंड दूसरा जो है इसका iOS लॉन्चर है जो आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है वो है इसका नॉच। जी हाँ, अगर आपका फुल डिस्प्ले स्क्रीन है तो मैं ये अभी फ़िलहाल जो है K20 यूज़ कर रहा हूँ। तो K20 पे जो है नॉक कोई भी तरह के नॉच नहीं है, लेकिन जो है मैं इसमें नॉच ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉच पाई ऐप को इंस्टॉल करके जो है आप अपने आईफोन जैसे नॉच पा सकते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है K20 पे जो है MIUI 12 का जो है कस्टम रोम इंस्टॉल कर दिया है, और इसका जो कंट्रोल सेंटर वगैरह है एंड नोटिफिकेशन पैनल जो है वो बिल्कुल जो है iOS की तरह है। तो मैं इसलिए इसमें जो है MIUI 12 जो है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नॉच लगा सकते हैं अपने हिसाब से। एंड नंबर 2 पे जो है आप iOS लॉन्चर का यूज़ कीजिए, और ये लॉन्चर जो है आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आराम से। तो iOS लॉन्चर जो है आप यूज़ करने पर जो है कुछ इस तरह के जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है अगर आप इंटरनेट ऑन करके, तो यहाँ पे जो है आप वॉलपेपर पे जाके जो है काफ़ी सारा वॉलपेपर जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और सेटिंग पे जो है काफ़ी सारा जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप लेआउट वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे जो है डार्क मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डार्क मोड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ें जो है आपको काले काले दिखेंगे। और ये iOS का लॉन्चर में जो है आपको काफ़ी सारा एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है आप अपने आइकॉन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारा जो है आपको आइकॉन मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आप अपने ऐप का यहाँ से जो है आप रीनेम कर सकते हैं अपने आइकॉन को। एंड मैं यहाँ पे जो है MIUI 12 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है या फिर नोटिफिकेशन पैनल है वो भी बिल्कुल iOS की तरह है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।